सीतापुर के सिधौई क्षेत्र में गांधी इंटर कॉलेज लगभग 1000 छात्रों और छात्राओं ने नशा न करने का संकल्प लिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आज आरक्षण सूची जारी कर दी। उन्नाव में दही चौकी स्थित राज रतन की जय मां मेटल फैक्ट्री में जीएसटी की एसआईबी विंग की छापेमारी। ठाकुरगंज पुलिस की गिरफ्त में आए 2 शातिर जालसाज। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का लोगों ने आर्थिक सहयोग किया। बाबू सुंदर सिंह ने राम मंदिर के लिए 10,11,000 की राशि सौंपी। स्वास्थ्य केंद्र पर अचानक पहुंचे ब्लॉक प्रमुख को नदारद मिले चिकित्सक। ब्लॉक प्रमुख की निरीक्षण कार्यवाही से चिकित्सकों में रोष। दिलीप अवस्थी के निधन पर राज्य पत्रकार संघ उत्तर प्रदेश में जताया शोक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा के रामराज में अपहरण बलात्कार क्यों हो रहे हैं। अखिलेश यादव करिश्माई एवं ऊर्जावान व्यक्तित्व है, द ग्रेट खली। ग्रामीणों ने भदेसर मऊ में हुए भ्रष्टाचार की जाँच कराए जाने की मांग। 5 महिलाओं को बांटे मत्स्य पालन के पट्टे। जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। मंडलायुक्त पहुँचे संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी शिकायतें। मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मोहनलालगंज कोतवाली पहुँचे पुलिस आयुक्त। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए प्रदेश सरकार ने खोला खजाना। प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए जल्द हवाई मार्ग से पहुँची अयोध्या। जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत लेटर ऑफ कंफर्ट के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा हेतु गठित समिति की बैठक संपन्न। पुलिस अधीक्षक श्री आरपी सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में महिला सशक्तिकरण जागरूकता कार्य। सिसिंगरी में घायल मिला दुर्लभ श्रेणी का सफेद उल्लू। वन विभाग की टीम को सौंपा।